हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, मैं फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करा रही हूँ, जिसमें से चैप्टर चल रहा है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। उसमें से टॉपिक है तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम, किसी भी स्टेट के टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस एलटी राजस्थान पीटीआई डीएसएसबी का प्रिपरेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पर सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो भी बिल्कुल फ्री में दोस्तों। एंड 100 से ज्यादा वीडियो प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चन पर भी बनाए गए हैं। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, क्वेश्चन है, लगातार अभ्यास के परिणाम स्वरूप नर्वस सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों, जैसे कि हम लगातार अभ्यास करेंगे, तो हमारे अंदर जब लगातार अभ्यास करते हैं तो ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है, और जो हमारा हार्ट बीट होता है यानी कि जो हमारा ब्लड फ्लो होता है वो बढ़ जाता है, और हम ज्यादा अच्छे से वर्क कर पाते हैं, जिससे हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है वो तत्पर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, तंत्रिका तंत्र तत्पर हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, लगातार अभ्यास के कारण केंद्रीय नाड़ी संस्थान के सक्रिय होने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों, इसमें जो मांसपेशियों का रिफ्लेक्शन टाइम होता है वो घट जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, लगातार अभ्यास से केंद्रीय नाड़ी संस्थान यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कार्यों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि अनावश्यक गतियों को नियंत्रण करती है। ठीक है, ये क्या होता है, अपने आप पर हमको कंट्रोल करने की शक्ति मिल जाती है जब हम लगातार अभ्यास करते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों, लगातार अभ्यास से संपूर्ण शरीर के संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों, हमारे संपूर्ण शरीर के संतुलन में यानी बैलेंस में वृद्धि होती है जब हम लगातार अभ्यास करते हैं। तो नेक्स्ट, लगातार अभ्यास करने से मांसपेशियों की तंत्रिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मांसपेशियों की तंत्रिकाओं में क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन है, एक्शन पोटेंशियल में अत्यधिक सुधार होगा, तंत्रिकाओं का विकास होगा, तंत्रिकाओं के संवेगों में वृद्धि होगी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो जब हम लगातार अभ्यास करते हैं तो जो एक्शन पोटेंशियल आता है हमारे मस्तिष्क की तरफ से हमारे पेशियों में, वो अत्यधिक उसमें सुधार होगा, और तंत्रिकाओं का विकास, ज्यादा से ज्यादा तंत्रिकाओं का विकास होगा, और तंत्रिकाओं में जो संवेग होते हैं उसमें वृद्धि होगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, लगातार अभ्यास से सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मांसपेशियां जल्दी जल्दी संकुचित होती हैं? तो उसमें किसकी मात्रा बढ़ जाती है दोस्तों, उसमें कैल्शियम आयन की मात्रा बढ़ जाती है जो हमारी मांसपेशी के संकुचन में सहायक होती है। नेक्स्ट दोस्तों, अभ्यास के कारण खिलाड़ियों के संवेग यानी इमोशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो नियंत्रण में रहता है, जो हमारा इमोशन होता है ना फालतू का, वो सब नियंत्रण या कंट्रोल में रहता है नियमित अभ्यास से, जब हम जल्दी घबराते नहीं है। नेक्स्ट, व्यायाम के दौरान तंत्रिका मांसपेशियां युग्मन यानी डेंड्राइट्स के मार्ग जहां से आवेगों का संचरण होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, थकान का अनुभव नहीं होगा। ठीक है, मांसपेशी युग्मन जो होता है, जब हम लगातार अभ्यास करेंगे उसमें तंत्रिका मांसपेशी युग्मन जो होगा वो अच्छे से वर्क करेगा, जिससे हमको जल्दी से थकान का अनुभव नहीं होगा, हम देर तक कार्य कर पाएंगे। नेक्स्ट है, किसके परिणाम स्वरूप तंत्रिका मांसपेशी युग्मन पर यानी कि न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पर, जहां पे तंत्रिका और मांसपेशी जुड़ते हैं उसको न्यूरो मस्कुलर जंक्शन कहते हैं, यानी तंत्रिका मांसपेशी युग्मन, यानी कि किसके परिणाम स्वरूप तंत्रिका मांसपेशी युग्मन पर तंत्रिका आवेगों के संचरण के कारण थकान देरी से होती है? तो किसके परिणाम स्वरूप दोस्तों, ट्रेनिंग के परिणाम स्वरूप, हम कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो क्या होगा, जो न्यूरोमस्कुलर संचरण है उसमें थकान देरी से होगी। नेक्स्ट दोस्तों, जिसके द्वारा तंत्रिका मांसपेशी समन्वय में सुधार होता है, किसके द्वारा होता है, ट्रेनिंग के द्वारा। नेक्स्ट, तंत्रिका तंत्र द्वारा अभ्यास के माध्यम से खिलाड़ियों में किस प्रकार का सुधार होता है? तो दोस्तों, तंत्रिका तंत्र का अभ्यास हम करेंगे तो उसमें हमको सहनशीलता बिल्ड होगी और प्रदर्शन अच्छा होगा। ठीक है, यानी कि एंड्योरेंस एंड परफॉर्मेंस हमारा बढ़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों, लगातार अभ्यास के परिणाम स्वरूप किसके उत्पादन में वृद्धि होती है? तो इसमें कैल्शियम आयन धनायन जो होता है उसके उत्पादन में वृद्धि होगी।
नेक्स्ट दोस्तों, लगातार और नियमित अभ्यास के परिणाम स्वरूप तंत्रिका तंत्र के तंत्रिका युग्मन पर समन्वय में क्या सुधार होगा? तो तंत्रिका तंत्र के तंत्रिका युग्मन पर क्या प्रभाव होगा? तंत्रिका के आवेगों व उत्तेजना में क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, लगातार अभ्यास से रक्त की मात्रा पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों, लगातार हम अभ्यास करेंगे, हमारे शरीर में नई नई कोशिकाएं बनेंगी, तो हमारा रक्त भी बढ़ेगा और हम अच्छा भोजन भी करेंगे। ठीक है, हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट भी रहेगी कि आपको जितना आप नॉर्मली भोजन करते हैं उससे ज्यादा करेंगे। ठीक है, लगातार अभ्यास करेंगे तो हमारे शरीर में नई नई कोशिकाएं बनेंगी, तो हमारे जाहिर सी बात हमारे शरीर में रक्त का मात्रा बढ़ेगा, और रक्त का मात्रा बढ़ेगा तो जो हमारे रक्त में आरबीसी होता है उसकी भी संख्या बढ़ेगी, और जब आरबीसी बढ़ेगी तो उसमें हीमोग्लोबिन होता है वो भी बढ़ेगा, जब वो बढ़ेगा तो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन लेकर के हमारे पूरे शरीर में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, ट्रेनिंग अभ्यास से खिलाड़ी के मस्तिष्क की स्मृति क्षमता और स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो भी हमारी स्मृति क्षमता होती है, हमारी हेल्थ होती है, उसमें बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है ट्रेनिंग अभ्यास के द्वारा, यानी कि ये बढ़ेगा। नेक्स्ट, दिमाग का वह कौन सा भाग होता है जो भूख लगने व भोजन से संतुष्टि का अनुभव कराने के केंद्र स्थित होते हैं? तो दोस्तों, जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है, वह भूख लगने व भोजन को संतुष्टि अनुभव करने का केंद्र होता है। कौन होता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है दोस्तों, हाइपोथैलेमस जो होता है वह सभी प्रकार के भावनाओं का केंद्र होता है। क्या होता है? सभी प्रकार के भावनाओं का केंद्र कौन होता है? हाइपोथैलेमस। यानी दोस्तों, इसमें प्रेम, घृणा, हर्ष, विषाद, क्रोध, शेष, सभी प्रकार की भावनाओं का केंद्र होता है हाइपोथैलेमस, और यह ताप नियंत्रित केंद्र होता है या हार्मोन नियंत्रित केंद्र होता है। एंड दोस्तों, यह जल संतुलन, भोजन व जल संतुलन का नियंत्रण का भी केंद्र है, और संतुलन नियामक का भी केंद्र है, और भूख प्यास लगने का केंद्र है, तथा कार्बोहाइड्रेट और वसा का उपापचय जैसे कार्य को भी करता है। तो इतनी सारी चीज आएंगे तो आपका सही ऑप्शन होगा हाइपोथैलेमस। और जो हमारा थैलेमस होता है वह ठंडा, गर्म और दर्द का अनुभव कराता है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वह तीन प्रकार का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड आता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 43 जोड़े नाड़ियां आती हैं, जो 12 जोड़े नाड़ियां दिमाग से निकलती हैं और 31 जोड़े नाड़ियां स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, यानी कि मेरुरज्जु से। जिसमें से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो मस्तिष्क होता है उसको तीन भागों में बटा गया है, फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क, पश्च ब्रेन यानी कि हिंड ब्रेन। जो हमारा अग्र मस्तिष्क होता है इसमें सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस आता है। सेरिब्रम जो होता है वह सोचने, समझने, कल्पना करने आदि का केंद्र होता है, बुद्धिमत्ता का केंद्र होता है। और जो थैलेमस होता है वह ठंडा, गर्म और दर्द का अनुभव कराता है। एंड जो हाइपोथैलेमस होता है वो सभी प्रकार की भावनाओं का केंद्र होता है, जैसे कि भूख लगना और प्यास लगने पर हार्मोन, ताप नियंत्रण, जल संतुलन नियंत्रण, कार्बोहाइड्रेट, वसा का उपापचय, प्रेम, घृणा, हर्ष, विषाद, क्रोध आदि पर सही प्रकार की भावनाओं का केंद्र है। एंड मध्य मस्तिष्क में आता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रम, सेरिब्रल पिंडकल। तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो मध्य मस्तिष्क में आता है वह हमारे देखने या सुनने की क्षमता पर नियंत्रण करता है, और हिंड ब्रेन यानी कि पश्च मस्तिष्क में आता है सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। सेरिबेलम क्या करता है? हमारे शरीर की जो गति होती है उसको नियंत्रण में रखता है। एंड मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है जो हमारे इच्छाओं पर निर्भर नहीं करती है, यानी कि ऐसी जैविक कार्यों का नियंत्रण करता है जिन पर हमारी इच्छाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे कि हमारे पाचन तंत्र के क्रमानुकंचन गति, रक्त परिसंचरण तंत्र, हृदय धड़कन, श्वसन क्रिया आदि सभी अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण कौन करता है? मेडुला अब्लांगेटा। तो इस प्रकार हमने मस्तिष्क के तीनों भागों के बारे में, अग्र, मध्य, पश्च के बारे में जान लिया। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम, और छोटा मस्तिष्क कहते हैं आपका सेरिबेलम को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमारे मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कौन है? तो अभी तुरंत बताई हूँ, जो हमारे अग्र मस्तिष्क का भाग है सेरिब्रम यानी कि
प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट है हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है दोस्तों, तो यह आपका प्रमस्तिष्क है यानी सेरिब्रम। नेक्स्ट है वह कौन सी कोशिकाएं होती हैं जो 1 फुट लंबी हो सकती हैं, तो यह आपका हो जाएगा पेशी कोशिका, ये आपका हो जाएगा तंत्रिका कोशिका दोस्तों, जो आपका 90 सेंटीमीटर तक भी होता है एंड यह हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। यह हमारे तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई होती है। नेक्स्ट दोस्तों ऑप्टिक तंत्रिका होती है, तो दोस्तों जो 12 जोड़ी तंत्रिकाएं जो हमारे मस्तिष्क से निकलती हैं उसमें से दूसरा पहला होता है ऑल्फैक्टरी जो सूंघने से संबंधित होती है, दूसरा होता है ऑप्टिक आंख में प्रकाश का ज्ञान कराता है, तो दूसरा तंत्रिका होता है आपटी। तो यह कहाँ हो जाएगा, यह द्वितीय कपाल तंत्रिका है। आपटी तंत्रिका क्या है, द्वितीय कपाल तंत्रिका है। एंड दोस्तों जो इसे हमारे दिमाग से 12 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं जिसमें से आपका पहला ऑल्फैक्टरी हो गया यानी सूंघने से संबंधित, एंड दूसरा ऑप्टिक नर्व हो गया यानी कि प्रकाश आंखों में प्रकाश का ज्ञान कराता है। एंड दोस्तों मेन मेन को मैं बताती हूँ, जैसे कि 10वां तंत्रिका है वेगस तंत्रिका जो हृदय और फेफड़ों को नियंत्रित करती है, एंड 7वीं जो कपाल तंत्रिका जाती है वो हमारे चेहरे में जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पेशी समन्वय किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है, यानी पेशी समन्वय यानी कि पेशियों की जो गति का समन्वय है वो हमारी गति को कौन नियंत्रित करता है, सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क, जिसे हिंदी में कहते हैं अनुमस्तिष्क और इंग्लिश में कहते हैं सेरिबेलम, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कौन सी तंत्रिका सूंघने से संबंधित है, तो दोस्तों प्रथम तंत्रिका यानी कि ऑल्फैक्टरी जिसे कहते हैं वो क्या है, सूंघने से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों मेरुरज्जु की गुहा कहलाती है, तो मेरुरज्जु की जो यानी स्पाइनल कॉर्ड की जो गुहा होती है उसको न्यूरोशील बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कशेरुकियों में प्रतिवर्ती क्रिया किसमें प्रदर्शित होती है, तो दोस्तों यह हमारे स्पाइनल कॉर्ड द्वारा प्रदर्शित होती है यानी कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, तो स्पाइनल कॉर्ड करता है यानी कि मेरुरज्जु। जैसे कि इसमें क्वेश्चन पूछा है तो इसमें मेरुरज्जु दिया नहीं है, इसमें कशेरुकियों में प्रतिवर्ती क्रिया किसमें प्रदर्शित होती है, तो यह अपने आप होने वाली क्रिया है दोस्तों, इसमें हमारा नियंत्रण नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे स्वायत्त प्रतिक्रिया सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों प्रकाश की संवेदना का तंत्रिका आवेग में परिवर्तन होता है, प्रकाश की संवेदना का तंत्रिका आवेग में परिवर्तन क्या होता है, जैसे कि रासायनिक प्रक्रिया है, या ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सही है रासायनिक प्रक्रिया, क्योंकि रासायनिक प्रक्रिया वह चीज होता है जो किसी चीज में प्रक्रिया कराने पर नए चीज का निर्माण होता है, तो यहाँ पे प्रकाश की संवेदना का तंत्रिका अवयव में परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पे रासायनिक प्रक्रिया सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पे प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा होता है दोस्तों, इस प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण स्पाइनल कार्ड यानी मेरुरज्जु के द्वारा होता है, यहाँ पे मेरुरज्जु नहीं दिया है तो प्रश्नों को ध्यान से समझिएगा, मेरुरज्जु नहीं दिया है तो मेरुरज्जु किस में पाया जाता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, केंद्रीय यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन हमारा मेरुरज्जु आता है, तो यहाँ पे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपका हो गया, इससे पहले मैं इसी वीडियो में बताई कि कशेरुकी में प्रतिवर्ती क्रिया किस समय प्रदर्शित होती है, यानी कि स्वायत्त प्रतिक्रिया है अपने आप होने वाला प्रक्रिया। ठीक, और यहाँ पे पूछेगा कि नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो मेरुरज्जु के द्वारा, मेरुरज्जु नहीं दिया रहेगा तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है तंत्रिका ऊतक का कार्य है, तो तंत्रिका ऊतक क्या करता है, उत्तेजनशीलता इसका कार्य है तंत्रिका ऊतक का, जिसे हमारे संदेश को मस्तिष्क तक पहुंचाता है, मस्तिष्क से संदेश को हमारे पेशियों तक लाता है। नेक्स्ट दोस्तों कर्ण से संवेदना का संवहन किस कपाल तंत्रिका द्वारा होता है, तो कौन से जो संवेदना का संवहन होता है वो कॉकलियर द्वारा होता है। ठीक है, जो कर्ण से संवेदना का संवहन करता है। नेक्स्ट दोस्तों निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ऑप्शन है मेरुरज्जु से सभी चालक तंत्रिका अधर मूल द्वारा निकलती है, चालक तंत्रिका यानी कि मोटर नर्व जो होता है वो अधर मूल द्वारा निकलती है, ये बात ये ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट है आपका कि सभी ध्वनियों में शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, जबकि बात सही है कि ध्वनियों में शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है लेकिन जो पल्मोनरी ध्वनि होती है उसमें अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। सी ऑप्शन है आपका, सभी कशेरुकियों में लाल रुधिराणु केंद्रित होते हैं।
तो वही डाल रुद्राणी नहीं होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, सभी कशेरुकियों का मूत्र समान होता है तो नहीं होता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर वन यानी कि ए करेक्ट हो जाएगा। मेरुरज्जु से सभी जो चालक तंत्रिका यानी मोटर नर्व है अधर मूल द्वारा निकलती है, जबकि जो सेंसरी नर्व है वो पृष्ठ तल यानी गेंग्लिया के द्वारा संचालित होती निकलती है। नेक्स्ट है दोस्तों, पार्श्व वेंट्रिकल कहाँ होता है? तो पार्श्व वेंट्रिकल जो है मस्तिष्क व हृदय में होता है। नेक्स्ट है, जब हृदय को जाने वाली परानुकंपी यानी प्रेरक तंत्रिका काट दी जाती है तो हृदय स्पंदन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हृदय रुक जाएगा। नेक्स्ट है, हृदय की अनुकंपी तंत्रिका में संवेदना देने पर यह हृदय को उत्प्रेरित करती है क्योंकि क्योंकि क्या होता है, इससे एड्रेनलिन का स्रावण होता है। ठीक है, एड्रेनलिन क्या है? एड्रेनलिन ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन एड्रेनलिन है, जो हमारे आपत्ति यानी कि संकट के समय को बचाती है। इसको लड़ो उड़ो उड़ो हार्मोन यानी क्रोध आदि के समय यानी कि किसी डर के समय, किसी विपत्ति के समय ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है एड्रेनलिन। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, रुधिर में एसिटाइल कोलाइन पहुंचाने पर हृदय स्पंदन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, बढ़ेगा नहीं दोस्तों, क्रमशः घटता बढ़ता रहेगा। क्या होगा? क्रमशः घटता बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों, एसिटाइल कोलाइन क्या होता है? हमारे जो तंत्रिका आवेग होता है उसको मांसपेशियों तक पहुंचाने और सभी अंगों तक पहुंचाने का, तंत्रिका आवेग को पहुंचाने का कार्य करता है एसिटाइल कोलाइन, जिससे हमारी मांसपेशियां और हमारे सभी अंग जो है वो कार्य करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, मस्तिष्क के सबसे बाहरी झिल्ली कहलाती है। जैसे कि मस्तिष्क के तीन झिल्ली से ढका होता है हमारा ब्रेन, जिसको मेनिनजाइटिस झिल्ली कहते हैं। मेनिनजाइटिस झिल्ली की तीन परत होते हैं, ड्यूरामीटर, आर्कनाइट, पायामीटर। तो जो सबसे बाहरी झिल्ली हमारा हो जाता है ड्यूरामीटर। ठीक है, सबसे बाहरी झिल्ली क्या होता है? ड्यूरामीटर। नेक्स्ट है दोस्तों, सेरिब्रल गोलार्ध किसके केंद्र है? जो हमारा सेरिब्रल गोलार्ध है वह चिंतन, विश्लेषण, इच्छा शक्ति इन सभी का केंद्र होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, सेरिबेलम का मुख्य कार्य क्या है? सेरिब्रम और सेरिबेलम में आप डिफरेंट हमेशा समझिएगा। सेरिब्रम जो हमारे अग्र मस्तिष्क का भाग है, सेरिबेलम हमारे पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। तो सेरिबेलम का मुख्य कार्य क्या है, यह क्या करता है? यह ऐच्छिक कार्यों का समन्वय करता है, जैसे हमारे गति करना, चलना, फिरना, हमारे गति को नियंत्रित करता है, ऐच्छिक कार्य को नियंत्रित करता है। जबकि मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है? वो अनैच्छिक कार्य को नियंत्रित करता है, जैसे पाचन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, हार्ट, जो हमारी हार्ट बीट है, श्वसन तंत्र है, इन सबको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट दोस्तों, अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक प्रेरणा का संवहन करने वाली तंत्रिका कहलाती है। तो दोस्तों, हमारे अंगों से यानी कि जो ज्ञानेंद्रिया होता है, सेंसरी ऑर्गन्स होता है, वहां से संदेशों को प्राप्त करके हमारे मस्तिष्क यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? सेंसरी न्यूरॉन्स करता है, यानी कि एफ्रियंट। यहाँ पे आप सही हो जाएगा, तो यहाँ पे एफ्रियंट यानी कि सेंसरी न्यूरॉन्स आपका सही हो जाएगा। वहीं पर दोस्तों आपको पूछता कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से हमारे अंगों तक प्रेरणाओं को कौन ले जाता है? तो मोटर नर्व यानी कि ई फ्रेंट। नेक्स्ट है दोस्तों, परानुकंपी तंत्रिका क्या कार्य करता है? जैसा कि दोस्तों, जो हमारा ऑटोनॉमिक्स नर्वस सिस्टम होता है वो दो प्रकार का होता है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी कि सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा परानुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम। जैसे कि जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है सिंपेथेटिक, वह द्वंद प्रतिद्वंद प्रणाली यानी उत्तेजना के समय पूरे शरीर में बड़ी मात्रा में अवक्षेप करता है, यानी कि विपत्ति का सामना करने के लिए हमको तैयार करता है, जैसे कि खतरा, भय, दुख, शोक आदि की स्थिति में यह कार्य करता है। जैसे कि नेत्र की पुतली फैल जाना, किसी चीज को, भयानक चीज को देखकर लार का बनना बंद हो जाता है, पाचन एंजाइम निकलना बंद हो जाता है, हम क्रोध, भय, दो शोक में आदि में रहते हैं तो
और हमारा स्वेट निकलने लगता है यानी पसीना निकलने लगता है, हृदय धड़कन तेज हो जाती है, उस सर्जी अंगों की पेशियां शिथिल पड़ जाती हैं। ये आपका होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी कि सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम में। और दूसरा होता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, इसका जस्ट उल्टा होता है, अनुकंपी का जस्ट उल्टा। ये खतरे के समय होता है तो यह प्रेम खुशी हर्ष विषाद विषमावस्था में होता है, ठीक है, तो अनुकंपी के विपरीत होता है। तो इसमें जब नेत्र की पुतली फैल जाती है अनुकंपी में, तो परानुकंपी में नेत्र की पुतली सिकुड़ती है। और जैसे कि अनुकंपी में लार का बनना बंद हो जाता है, तो परानुकंपी में लार ग्रंथियों से स्त्राव बढ़ जाता है। और अनुकंपी में आपका पसीना निकलता है तेजी से, तो आपका परानुकंपी में पसीना के स्त्राव को ये घटाता है। जबकि जैसे कि अनुकंपी में आपका हृदय धड़कन तेज हो जाती है, तो परानुकंपी में हृदय धड़कन जो हृदय दर होता है वो घटता है, कम करता है। एंड अनुकंपी में यदि उत्सर्जी अंगों की पेशियां शिथिल पड़ जाती हैं, तो उसमें आपका कैटरेक्ट होती है। इस प्रकार आपने देखा कि अनुकंपी या प्राणुकंपी में क्या अंतर है। अनुकंपी जो हमारा खतरा भय दुख सुख आदि की स्थिति में कार्य करता है यानी कि आपातकालीन स्थिति में, अप्राणुकंपी जो प्रेम खुशी हर्ष और विश्रामावस्था में काम करता है। यहाँ पे परानुकंपी तंत्रिका तंत्र का कार्य पूछा है, तो इसमें कौन हो जाएगा दोस्तों? अब आपको सही ऑप्शन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है हृदय स्पंदन की दर कम करता है, ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और दूसरा बी ऑप्शन है आपका हृदय स्पंदन की दर बढ़ जाता है, तो बढ़ना ही आपका अनुकंपी में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है किसी भाग के क्षतिग्रस्त हो जाने से, ठीक है, किस भाग के क्षतिग्रस्त हो जाने से स्मरण शक्ति कम हो जाएगा? तो दोस्तों हमारे बुद्धि का केंद्र होता है सेरिब्रम यानी कि अग्र मस्तिष्क का जो भाग होता है, अग्र मस्तिष्क में तीन भाग होते हैं, सेरिब्रम थैलेमस हाइपोथैलेमस। तो जो हमारा सेरिब्रम होता है बुद्धि का केंद्र होता है, ठीक है, तो किसी सोचने समझने का केंद्र होता है, तो किस भाग की क्षतिग्रस्त हो जाने पर स्मरण शक्ति कम हो जाएगा? तो हमारे सेरिब्रम यानी अनुमस्तिष्क, अगर हमारा चोट लग गया वहां पे, तो हमारा स्मरण शक्ति जो होता है वो कमजोर हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। एंड दोस्तों डेली बेसिस पे बने रहिए बेहतरीन तैयारी के लिए, जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर पूछिए। एंड दोस्तों नेक्स्ट वीडियो भी आपका तंत्रिका तंत्र पर ही होगा, एंड उसके बाद आपका उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रेटरी सिस्टम पर क्वेश्चन होंगे। तो तीन चार वीडियो में अभी आपका बच्चा है तंत्रिका यानी कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से, उसके बाद सभी खेलों से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो आप बस बने रहिए डेली बेसिस पे और अपनी तैयारी को बनाए रखिए। तो दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो को अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।